बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक लंबे वक्त से ऑन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहे। करीब 4 साल के इंतजार के बाद उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी। उनकी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लाल सिंह चड्ढा के बाद फिल्मी दुनिया में ऐसी खबरें थी कि आमिर अब स्पैनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक बनाने जा रहे। वही अब सामने आया है कि एक्टर ने अपने हाथ प्रोजेक्ट से वापस खींच लिए। आमिर खान अब चैंपियंस के रीमेक में एक्टिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आमिर खान चैंपियंस फिल्म के रीमेक में एक्टिंग नहीं करने वाले, इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद दी। उनका कहना है कि वो चैंपियंस के रीमेक को सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे। आमिर ने बताया, जब मैं एक एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो फिल्म में इस कदर खो जाता हूँ कि मेरी जिंदगी में और कुछ होता ही नहीं। लाल सिंह चड्ढा के बाद मैं चैंपियंस का रीमेक करना चाहता था। ये कमाल की स्क्रिप्ट है, ये सुंदर कहानी है, ये दिल को छू लेने वाली और प्यारी फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आमिर खान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ काम ही किया है। मुझे लगता है मेरे करीबी लोगों के लिए ये ठीक नहीं रहा, ये मेरे लिए भी कई तरह से ठीक नहीं रहा है। मैं समय को अलग तरीके से लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। आपको बता दें कि आमिर आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर भी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू नहीं चल पाया। इस फिल्म से उन्होंने बड़े पर्दे पर तकरीबन 4 साल बाद वापसी की थी, पर उनकी ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद आमिर कुछ समय के लिए विदेश चले गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। ट्विटर पर तो इस फिल्म का बॉयकॉट किया ही गया, साथ ही विरोध में लोग सड़क पर भी उतर आए थे। आमिर अपने पुराने विवादित बयानों की वजह से हिंदुओं के निशाने पर आ गए थे। सालों पहले आमिर ने कहा था कि उनकी एक्स वाइफ किरण राव को भारत में डर लगता है। आमिर का ये बयान लोगों को देश विरोधी लगा, जिसके चलते उनकी खूब आलोचना हुई। आमिर ने इस बयान के लिए लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले माफी भी मांगी थी और लोगों से अपनी इस फिल्म को देखने की अपील की थी, लेकिन तब भी दर्शक आमिर की इस फिल्म को देखने नहीं गए, लिहाजा आमिर का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया। दूसरी तरफ हॉलीवुड की रीमेक करने के चलते भी आमिर लोगों के निशाने पर है। ऐसे में अब आमिर ने लोगों के डर से चैंपियंस के रीमेक में काम करने से मना कर दिया और वो किसी और एक्टर को फिल्म में लेने की प्लानिंग कर रहे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आमिर कब तक बॉलीवुड और फिल्मों से दूर रहते हैं। वैसे आमिर खान के इस फैसले के बाद कई तरह की बातें हो रही। लोगों का कहना है कि आमिर ने हिंदुओं के डर से बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया है, क्योंकि आमिर को डर सता रहा है कि उनकी आने वाली फिल्म भी कहीं बॉयकॉट का शिकार ना हो जाए, इसीलिए अब वो एक्टिंग की जगह सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। खैर, अब आमिर फिल्मों में कब तक वापसी करते हैं ये वाकई में देखने वाली बात होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।